होने जा रही है जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर। कैसा है इस फिल्म से उनका नया लुक, आखिर किस जगह पर हादसे का शिकार हो गए थे एनटीआर, क्या इसी जगह पर उन्होंने खोया था अपने पिता और भाई को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, जूनियर एनटीआर अपना बर्थडे मना रहे 20 मई को और उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इसी मौके पर उनका नया लुक भी शेयर किया गया है फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली द्वारा, जिसमें कि वो काफ़ी स्टनिंग नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाला पकड़ा हुआ है और इससे पहले भी उनका एक टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म से, जिसने फैंस की जो बेताबी है इस फिल्म के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें, स्टूडेंट नंबर 1, सिमादरी, बादशाह, टेम्पर जैसी सुपर हिट फिल्म कर चुके सुपरस्टार जूनियर एनटीआर 38 साल के हो गए हैं। और कम ही लोग जानते होंगे कि जूनियर एनटीआर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। आज की तारीख में वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह उनके पिता और भाई की मौत हुई थी, उसी जगह वो भी एक एक्सीडेंट से मरते मरते बचे थे। बात है 2009 की, जब जूनियर एनटीआर TDP के कैंपेन करने के बाद हैदराबाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनका नलगोंडा के सूर्यापेट में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एनटीआर और उनके साथी कलाकार भी बहुत चोटिल हो गए थे। साथ ही वो कार से बाहर जा गिरे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान को बचाया गया। एनटीआर के जो पिता है हरे कृष्णा, 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट भी नलगोंडा में ही हुआ था। वहीं उनके भाई का एक्सीडेंट भी यही हुआ था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये जगह उनके लिए एक तरह से अनलकी मान सकती है। वहीं दोस्तों, जूनियर एनटीआर की बात करें तो इनकी अफेयर की भी खबरें थी हंसिका मोटवानी के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने 2011 में शादी कर ली। इसी से साथ ही इनके अब 2 बच्चे भी हैं और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म यानी कि जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर की बात करें तो इसमें जूनियर एनटीआर तो होंगे, साथ ही रामचरण होंगे, आलिया भट्ट होंगे, अजय देवगन होंगे, तो एक फुल पैक्ड फिल्म इसे बताया जा सकता है। बॉलीवुड और टॉलीवुड का संगम भी कहा जा सकता है और इस फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जाना है। अक्टूबर में इसकी रिलीज डेट फाइनल की गई है। अगर कोविड की सिचुएशन सही तो इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा और अगर इसी टाइम पर रिलीज होती है तो ये अजय देवगन की मैदान के साथ टकरा सकती है, यानी कि अजय देवगन वर्सेस अजय देवगन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं ट्रिपल आर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की फिल्मी अपडेट्स और दिलचस्प किस्सों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।